सलावत का पढ़ना एक खासी भी बात है, आवाज और बुलंद में बस सलावत पढ़िए। कोई दुआ नहीं वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने खुद में सलावत करूँगा। एक मरतबा दोबारा सलावत पढ़िए। مصطفی المجید ال محمد احمد حبیب الہی العالمین البحر الحق بالحق حق بالحق حق بالحق اب القاسم وعلى اہل بیتک الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرزق وطهرهم تطہیرا صلوات सलावत को बुलंद रुको पढ़िए। सलावत पढ़ना एक ऐसी भी बात है, बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए सब मिलके। अम बाद फकत काल अबू सुभानहु व तआला फी महकम किताब अल हमीद व फरकान अल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम बाद फकत काल सुभानहु व तआला फी महकम किताब अल हमीद, मेरे जुमले को दोहराया है और आयत का आगाज बाद में करूँगा, थोड़ा तारफ कुरान करवाता चलूँ अपने वक्त के अंदर, मिंबर भाई के हवाले करूँगा। मैंने कहा कि लारैब किताब में बेऐब किताब में अल्लाह फरमाता है, वो किताब अल्लाह जिसके बारे में सूरह हशर में फरमाता है कि अगर इस किताब को मैं ज़मीन पे नाजिल करता तो ये ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाती। समझ आ रही ना? और अगर यही किताब मैं आसमान पे नाजिल करता तो आसमान फट जाता, और अगर यही किताब कुरान हकीम सबसे बहुत बड़ी किताब अगर मैं पहाड़ों पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। भाई सामीन मोहतर गौर कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और सादा अल्फाज में करूँगा। तो अगर यही कुरान लेंथी करने की जरूरत नहीं है, समझिएगा और बस सादा अल्फाज में समझाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है सूरह हश्र में कि ये कुरान अगर मैं ज़मीन पे नाजिल करता तो ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाती, और अगर यही कुरान मैं आसमान पे नाजिल करता तो आसमान फट जाता, और यही किताब अगर मैं पहाड़ों पे नाजिल करता तो ये पहाड़ रेजा हो जाते, इनके परखने उड़ जाते। भाई देखा कुरान में इतनी ताकत है, भाई नतीजा देने लगो, कुरान में इतनी ताकत है कि जिसे तुम मजबूत सबसे ज़्यादा समझते हो, जिसे सबसे ज़्यादा मजबूत समझते हो, जिसे तुम सबसे ज्यादा मजबूत समझते हो। भाई देखें, आप किसी को कहते हैं कि आपका दिल कोई पत्थर का है, आपके नज़दीक सबसे ज्यादा जो सब चीज़ है वो यही पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन ये पत्थर ये जो है ये पहाड़ है, ये आंधियों का नोटिस भी नहीं लेता, सैलाब का भी नोटिस नहीं लेता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा मोटे जलजले हैं तो ये हिलता नहीं है, लेकिन कुरान आए तो ये रेजा रेजा हो जाएगा। आप सुनना, नतीजा देने लगा, ये कुरान अगर मैं ज़मीन पे नाजिल करता तो ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाती, अगर यही कुरान आसमान पे नाजिल करता तो आसमान फट जाता, और अगर यही कुरान मैं पहाड़ों पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, और अगर यही कुरान मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल पे नाजिल हो तो दिल कितना समझ आ रही ना? मैं समझाना चाह रहा हूँ, कहीं यही इतना मजबूत कुरान है लेकिन मेरे नबी के दिल पे उतरे तो वो दिल कितना मजबूत होगा। बस बस बहुत मुख्तसर, और भाई के हवाले में पर भी करना है, और अपनी आयत का थोड़ा सा आगाज़ करते हुए भाई के हवाले में पर कर दूंगा, क्योंकि हम बानी हैं इसलिए मैं कोई मजलिस के लहजे में मजलिस नहीं पढ़ रहा। सलावत पढ़िए मोहम्मद पर। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग कितना मजबूत होगा, समझ आ रही है ना? समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ। जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना मजबूत होगा, और जिसका दिमाग इतना मजबूत होते हुए वो आपको कहे कि मैं एक ऐसी तहरीर लिख दूँ
कि तुम क्यामत तक ना भटको, और जो मना करे, देखिए मजबूरी है, मेंबर के अलावा देखते हुए मैं पर्दे में बात कर रहा हूँ, समझिए, जिसका दिमाग इतना मजबूत हो और वो कहे एक ऐसी तरीली तू कि क्यामत तक तुम ना भटको, और जो रोके कि हमें नहीं रहने दीजिए, हमें कुरान काफी है, बस रहने दीजिए, मुझे नतीजा ना दीजिए ना, वक्त की नजाकत देखते हुए और सलावत पढ़िए मैं आयत का आगाज का بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولا رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ما كان محمد کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں مکان محمد کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولا کہ رسول اللہ وخاتم النبيين وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں समझ आ रही है ना भाई। मैं आयत की अगर पूरी की तफसीर करूँ तो जिंदगी मेरे पास थोड़ी है, आयत का समंदर की होती है तो बयान नहीं कर पाऊंगा, बस एक दो लफ्ज लूंगा और मेंबर भाई के हवाले करूंगा। के इसमें अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन कभी गौर किया आपने, ये भी औलुल्लाह से नबी है, ये भी औलुल्लाह नबी है और आदम भी औलुल्लाह से नबी है, ये भी औलुल्लाह से नबी है, वो भी औलुल्लाह नबी, लेकिन वो हमारा बाप है भाई, समझ आ रही है भाई, आदम ही हमारा बाप है, अम्मा हवा, समझ आ रही है ना बच्चों, तो वो हमारी माँ हो सकती है, लेकिन मोहम्मद की बीवियां उम्मुल मोमिनीन वो भी हमारी माँ हो सकती है, लेकिन वाहिद मोहम्मद है जो हमारे बाप नहीं हो सकते भाई, कोई वजह होगी भाई, कोई वजह होगी, मैं रुकना चाहता कंपनी के सिलसिले में, लेकिन मजबूरी है वक्त की नजाकत देखते हुए है? तो देखें मोहम्मद की बीवियां तुम्हारी माएं हैं, माएं ताज्जुब है, फूफियां क्या देता अल्लाह, कोई फर्क पड़ता भाई, फूफियां क्या देता क्या नहीं, फूफी की बेटी से मुझे नहीं पता किसका क्या अकीदा है, मैं किसी के अकीदे में बात नहीं कर रहा, मेरा ये अकीदा है जो कुरान से साबित कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे ये कि मोहम्मद अल्लाह ने मोहम्मद की बीवी को फूफी इसलिए नहीं कहा कि फूफी की बेटी से निकाह हो जाता है, खाला इसलिए नहीं कहा कि खाला की बेटी से निकाह हो जाता है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन इस वजह से कहा है कि उम्मुल मोमिनीन के माँ है ये तुम्हारी, माँ की बेटी से निकाह नहीं हो सकता क्योंकि वो तुम्हारी बहने हैं, वो तुम्हारे बहने असलात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मजमे की बात की जाती है, हमें मजमों की जरूरत नहीं है, वो लोगों का मैं जख्म देखता हूँ जो मजमे को तलाश करते हैं, वो कम जख्म इंसान समझता हूँ खुदा की कसम, सैयदा जो रात को आई बैठी है उससे भी बढ़कर है, कोई जरा मुझे दिखाए गाँव में सजादे मजलूम आए हुए हैं, रात के आपके मेहमान हैं, पर उनसे भी कोई बड़ा है, तो मुझे मजमे की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है जिन्होंने सुन होगा वहाँ पर पहुँच जाएगी, और मैं कोई मजलिस के लहजे में भी नहीं पढ़ रहा था जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन देखते हुए मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, कोशिश बेकारों के साथ अरबाज में इस आयत में माकाना मोहम्मद मेरे जब मला के रसूल वफात मरी, इस आयत में अल्लाह ने पैगंबर का नाम इस्तेमाल किया, पैगंबर का नाम क्या कि मोहम्मद, लेकिन अल्लाह जब भी नबियों को पुकारता है तो नाम ले लेकर पुकारता है, ये आदम और उसके नंता वजह को जन्नत, आदम तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में जा रहा हो, या मूसा इन्हें अल्लाह मैं तेरा बोल रहा हूँ, या ईसा इन मुहन को लिया हम तुझे जिंदा ऊपर उठा लेंगे, ये याहिया मुस्लिम में किताब लो कुआ दिन याहिया ये किताब लो और हम इसे मजबूत से थाम लो, ये इब्राहिम का सफर और इनका सारी का मौसिन इब्राहिम हम तुझे खुश हुए हम तुझे जन्नत में जगह देंगे, कुरान से हट के मैं बात नहीं कर रहा समझिएगा, तो ये अल्लाह जब भी नबियों को पुकारे तो नाम ले लेके या आदम या इब्राहिम या मूसा या ईसा या यहया समझ रहे हो, लेकिन जब भी अल्लाह मेरे नबी से बात करता है तो नाम लेके बात नहीं करता, नहीं नाम लेके बात नहीं करता, लेकिन आप परेशान होंगे कि अभी आयत में आपने पैगंबर का नाम इस्तेमाल किया है, समझ रहे ना, तो अभी आयत में आपने पैगंबर का नाम इस्तेमाल किया है और इधर से कह रहे हैं कि अल्लाह कभी नबी को नाम से पुकारता ही नहीं है, दिया है लेने और पुकारने में बड़ा फर्क है, लिया है लेकिन पुकारा नहीं, जब भी दूसरों को नबियों को पुकारे नाम लेंगे लेकिन मैं नबी को कभी नाम लेकर नहीं पुकारा, कभी भी मेरे नबी को नाम लेकर पुकारा नहीं, जब भी पुकारता है कभी यासीन कहता है, कभी ताहा कहता है, कभी अय्यूहर रसूल कहता है, कभी अय्यूहर नबी कहता है, कभी अय्यूहर मुदस्सिर कहता है, कभी अय्यूहर मुज़म्मिल कहता है, कभी सिराजुल मुनीर कहता है, लेकिन कभी भी नाम से नहीं पुकारा,
नहीं, अब मैं नतीजा दे दो, चलो परेशान होंगे कि आयत में भी नाम ले दिया और इधर कह रहे नाम से कभी पुकारा नहीं है, तो आगे बढ़ते हुए कहीं भूल ना जाओ बताता चलो भाई मोहम्मद का नाम नहीं लिया। आयत के तर्जमे पे गौर करें तो आयत में कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तो अल्लाह बात कर रहा है तुमसे, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मोहम्मद से नहीं। मैंने कहा था जब अल्लाह मोहम्मद से बात करता तो नाम लेके बात नहीं करता, वो बात कर रहा है तुमसे इसलिए नाम लेके बात कर रहा है तुमसे, लेकिन मोहम्मद से जब बात करो तो नाम लेके नहीं। वो बताया कैसे, मेरे पास वक्त नहीं है जुमलों को दोहराने का, मदद चाहता हूँ मैं खुदा की। तो जब भी नाम ले तो नाम फिर मेरे नबी का नहीं लेता, कभी अय्यल मुदस्सिर, कभी अय्यल मुज़म्मिल, भाई एक चादर ओढ़ने वाले हैं, एक कंबल ओढ़ने वाले, अय्यल मुज़म्मिल एक कंबल ओढ़ने वाले, अय्यल मुदस्सिर एक चादर ओढ़ने वाले, बस भाई नतीजा देने लगा हूँ, भाई बर्फ के हवाले करने लगा हूँ, मेहमान है हमारे और हम खुद वाली है, भाई कंबल ओढ़ने वाले, मैं आपके सामने आया बैठा हूँ और आपसे पूछूँ फला दिन में वहाँ से गुजरा था कौन सा लिबास पहना था, आपको आपको याद नहीं रहेगा, याद रहेगा आपको क्या लेना देना मुझे, लेकिन अगर कोई आशिक अपने महबूब को देखे, समझ आ रही ना, कोई आशिक अपने महबूब को देखे तो उसकी चाल पे भी निगाह होती है, उसकी ढाल पे भी निगाह होती है, उसके लिबास पे भी निगाह होती है, उसने क्या पहना होगा उसके पे निगाह होती है, सही कह रहा हूँ ना मैं, सलात पढ़ी मोहम्मद आए मोहम्मद आए क्या पहने हैं उसमें नहीं होता, लेकिन कोई आशिक अपने महबूब को देखे तो मोहम्मद ने कुछ वक्त के लिए नतीजा देने लगा अपने बैठे तो कुछ वक्त के लिए कंबल ओढ़ा तो अल्लाह ने कहा अय्युहल मुज़म्मिल ऐ कंबल ओढ़ने वाले, और कुछ वक्त के लिए काले कंबल को ओढ़ा तो कहा अय्युहल मुद्दसिर ऐ चादर ओढ़ने वाले, और मैं सुनना नतीजा देखे भाई क्या वाले करने लगा मिम्बर के कुछ वक्त के लिए मोहम्मद ने कंबल ओढ़ा तो अल्लाह की निगाह में वो बन गया, और कुछ वक्त के लिए मोहम्मद ने चादर ओढ़ी तो अल्लाह की निगाह में वो बन गया, और 14 बरस जो अबू तालिब मोहम्मद को गौर कर लिए बैठ रहे वो कैसे महबूब ना होने बोला। मैंने एक जुमला कहा मुल्ला और एक होता है मुल्ला, जो मुल्ला होता है उसका मतलब होता है जाहिल, मैं किसी के बात नहीं कर रहा है, सब हमारे भाई हैं, मैं जाहिल से बात कर रहा हूँ उसको कह रहा हूँ मुल्ला, एक होता है मुल्ला वो साहिब इल्म होता है, वक्त नहीं है बस मसाइल के दो जुमले आज को के मसाइल के हैं, वक्त में काफ़ी पड़ चुका हूँ, सिमर बैठा था मेरे मौला के सीने में और मौला कह रहे थे तूने पहले तो बात है मुझे ना मारे, मेरा कत्ल कोई आम कत्ल नहीं है कि तू मुझे मारना चाह रहा है, कहा नहीं मैंने मारना है, अच्छा फिर यूँ कर खेमों की तरफ मुँह ना कर, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, सिर्फ सिमर ने कोई बात नहीं मानी ना मेरे मौला के, कोई बात नहीं मानी, तो मौला ने कहा अच्छा ठीक है कोई नहीं मानता एक बात तो मानने का, क्या क्या ये अपने सीना चाह करके जरा मेरे को देखा, मैं देखना चाहता हूँ क्या करता है, अच्छा ठीक है ये करके देखा, तो सिमर मलऊ ने अपना सीना चाक किया और जैसे चाक किया तो हुसैन मौला ने कहा तू ही मेरा कातिल है, तो उसने कहा मैं तेरा कातिल कैसे, तुझे कैसे पता, एक तो पहली बात है मैं मासूम हूँ और मेरे नाना जब मुझे गुलाब पिला रहे थे और उन्होंने मुझे बताया था कि जो तेरा कातिल होगा ना उसके सीने पे हराम जानवर के पैर का निशान होगा, उसके सीने पे हराम जानवर के पैर का निशान होगा तो तू ही मेरा कातिल है, जैसा ऐसा कहा ना तो ये आग भगोड़ा हुआ, इसने कहा अच्छा हुसैन जो इसके हाथ में खंजर था इसने एक पत्थर को तलाश किया और पत्थर पे उस खंजर को कुंदा किया और कुंदा करता रहा और मेरे इमाम मजलूम पे बार बार वार करता था और नीचे सैयदा हाथ रखता